look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मेरा एनर्जेटिक लेवल ना नीचे से ऊपर की ओर जा चुका है, क्योंकि आज है नवरात्रि और इस पर हमारी फैमिली को जिम्मेदारी दी गई है मूर्ति को खरीदने और इसकी स्थापना की। नवरात्रि का फर्स्ट डे है तो हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें करने वाली है, जिसमें आती है स्किन केयर, ड्रेसअप एंड हम दोपहर को रेडी होकर जाएंगे मूर्ति पूजा के लिए। अब प्रसाद खा के हम इस डे को एंड करेंगे। आप लोग मेरे ब्लॉग्स में बने रहिए, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज की सुबह बहुत ही ज़्यादा सुहानी थी, क्योंकि नवरात्रि जो स्टार्ट हो गई है। नवरात्रि के 9 दिन आपको चारों तरफ गरबा, नाइट्स, भजन कीर्तन, दुर्गा पंडाल, जगराता देखने को मिलते हैं। मैं उठी और मैंने अपने बेड को सेट किया। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि आज मुझे आपसे शेयर करना था अपना स्किन केयर। मैं अपने स्किन केयर में यूज़ करती हूँ राइस फ्लावर, बेसन और चुटकी भर हल्दी। आप भी इन तीनों चीज़ों को बिल्कुल अप्लाई करो, क्योंकि इसे लगाने से आपका फेस भी बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा। इसे कभी भी आप पार्टी में जाओ, इसके पहले आप 10 मिनट लगा के आप वॉश कर सकते हैं। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैं इसे सप्ते में एक बार तो ज़रूर अप्लाई करती हूँ। इसे वॉश करने के बाद आप मॉइस्चराइज़र भी ज़रूर यूज़ करें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अगर आप स्किन केयर करते हैं तो। जल्दी से रेडी होके मैं गई अपने घर के मंदिर में, जहाँ मेरी मम्मी ने माता रानी को विराजित किया था। नवरात्रि के 9 दिन हमारे घर में भी छोटी सी माता रानी को विराजित किया जाता है। आज था मेरा फास्ट, मैंने बनाया था अपने लिए कॉफ़ी, और मैं ना कॉफ़ी बनाने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। अगर आप लोगों को भी ट्राई करना है तो मुझे ज़रूर बताना, इसके लिए आप लोगों को मेरे घर आना पड़ेगा। मैं सोच रही थी कि मुझे और क्या क्या चीज़ों में वीडियो बनानी चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये है मेरा प्यारा बीटू, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। उसे लग रहा था कि वो इस धूप को पकड़ सकता है, इसलिए मैंने इस चीज़ को रिकॉर्ड किया कि बच्चे कितने प्यारे होते हैं, इतने ही मासूम मन के होते हैं ना, हम सभी बड़ों के कितने चालाक हो जाते हैं। हमारा प्यारा कृष्णा भी बहुत ही ज़्यादा खुश था, इसकी खुशी तो हमेशा देखने को मिलती है। मैं गई रेडी होने को, क्योंकि आज मुझे जाना था यश विहार के दुर्गा पंडाल। और ये दिन इसलिए भी बहुत ज़्यादा खास था, क्योंकि आज हमारे परिवार को जिम्मेदारी दी गई थी दुर्गा माता की स्थापना करने के लिए। मैं हो गई रेडी। Later that same evening. ये है हमारे यश विहार की माता रानी। भाई भाभी पूजा में बैठे हुए हैं, और इस माता रानी को देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा आनंद मिल रहा था। इसमें हमारे प्यारे महादेव जी भी थे और साथ में गणेश जी भी थे। मेरा प्यारा बेटू कितना क्यूट है। माता रानी के दर्शन करके अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होती है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मैं आप लोगों के साथ और बहुत सारे वीडियो शेयर कर सकूँ।